स्नातक प्रथम वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम छंद प्रकरण का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज जो हम अध्ययन जिन छंदों का हम अध्ययन करेंगे उनमें पहला है भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात का लक्षण है भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, अर्थात भुजंग प्रयात जो छंद है उसमें चार यकार या यगण होते हैं। क्रमशः है भुजंग प्रयात में चार यगण होते हैं, यगण 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 यगण, अर्थात चारों के चारों जो गण हैं वो यगण ही होते हैं। तो भुजंग प्रयात का लक्षण है भुजंग प्रयात के एक चरण में चार यगण होते हैं। भुजंग प्रयात का जैसा कि आप स्क्रीन पे उदाहरण देख रहे हैं, नमस्तेस्तु गंगे त्वदं प्रशांगाते भुजंगः स्त्रंगः क्वंगः पलंगः अनंगारी संगा स्मभंगः शिवांगः भुजंगाधिपांगी कृतांगः भवन्ति। ये भुजंग प्रयात छंद का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हो कि जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, एक हर्ष्व और दो दीर्घ, फिर एक हर्ष्व दो दीर्घ, फिर एक हर्ष्व दो दीर्घ, फिर एक हर्ष्व और दो दीर्घ। दोबारा देखें, एक हर्ष्व और दो दीर्घ, एक हर्ष्व दो दीर्घ, एक हर्ष्व दो दीर्घ, एक हर्ष्व दो दीर्घ, एक हर्ष्व और दो दीर्घ, अर्थात ये माता अर्थात यज्ञ। भुजंग प्रयात के चारों ही छंदों में यगण होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि न ये हर्ष्व है, फिर मैं के आगे आधा आ गया वर्ण इसलिए ही दीर्घ हो गया, फिर ते ये दीर्घ हो गया, फिर तू ये हर्ष्व हो गया, फिर गय के ऊपर अनुस्वार होने के कारण ये दीर्घ हो गया, फिर गे ये दीर्घ हो गया, फिर व ये फिर हर्ष्व, फिर दय के ऊपर अनुस्वार होने से दीर्घ, फिर गय के आगे आधा पय आने से दीर्घ, फिर संग प्र प्र में जो पय है ये हर्ष्व, फिर स के ऊपर अनुस्वार होने के कारण ये दीर्घ, फिर गा ये दीर्घ। इस प्रकार चारों ही चरणों में यगण की प्रधानता होती है। विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छंद होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो तो क्रमशः है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो यही याद करना है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारे, भुजंग प्रयात में चार यकार या यगण होते हैं। अब बात रही उदाहरण की, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो हम ये स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं वही उदाहरण आपको याद हो। आप भुजंग प्रयात के YouTube आदि से या किसी अन्य पुस्तकों की सहायता से जो आपको उदाहरण सरल लगे वो उदाहरण तैयार करना चाहिए। ये छंदों में कोई समस्या नहीं होती है कि हम जो हमें पढ़ाया जा रहा है वही हम उदाहरण याद करें, हम उदाहरण कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। तो भुजंग प्रयात छंद का हमने अध्ययन किया कि इसमें चार यगण होते हैं, तो चार यगण का मतलब हो गया 12 वर्ण। एक गण में तीन वर्ण होते हैं जो कि हम इस उदाहरण से स्पष्ट देख सकते हैं कि इस श्लोक के चारों चरणों में 12 12 वर्ण है, इसलिए ये भुजंग प्रयात छंद है। अगला जो हमारा छंद है वो द्रुत विलंबित, जिसका लक्षण है द्रुत विलंबित मा है नभव भरव, अर्थात द्रुत विलंबित छंद में पहला नगण होता है, फिर भगण होता है, फिर भगण होता है और फिर रगण होता है। इस प्रकार द्रुत विलंबित छंद में नगण भगण भगण और रगण ये चार गण होते हैं, और चार गणों का मतलब वही कि द्रुत विलंबित में ही 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार हम जैसे ये द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है, नीति शतक का श्लोक है कि शशि दिवाकरयोर्गृहे पीडनम गज भुजंगमयोरपि बंधनम मति मतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिर अहो बलवान इति मे मति है। ये जो श्लोक है आप इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं और कुल चारों चरणों में 12 × 4 अर्थात 48 वर्ण, 12 12 12 और 12 48 वर्ण हो गए। और आप इसकी जो उदाहरण में जो गणों का जो मापदंड है वो देख सकते हैं कि द्रुत विलंबित में पहला नगण होता है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो नसल, तीनों ही छोटे हैं अर्थात ये नगण हो गए। फिर भगण होता है तो आप देख रहे हो एक दीर्घ और दोनों हर्ष्व हैं, ये भगण हो गया। फिर आप देखते हो फिर भगण होता है तो फिर एक दीर्घ और फिर दोनों हर्ष्व, ये भगण हो गया। फिर रगण होता है, रगण में क्या होता है पहला दीर्घ फिर हर्ष्व और फिर दीर्घ, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हो ये है। आप ये जो चिन्ह हैं
वो ये एक चरण में लगा हुआ है, आप अन्य चरणों में इन चिन्हों को निर्धारण करके देखिए कि क्या वास्तव में इसे चिन्ह आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये छंद हमें जो उदाहरण के रूप में तैयार करना है, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। अगला जो हमारा छंद है वंशज छंद। वंशज छंद का लक्षण है जतो तु वंशस्तम मुदीरितम जरो, अर्थात वंशज छंद में पहला जगण फिर तगण और फिर जरो, पहला जगण फिर रगण, अर्थात पहला जगण हो गया फिर तगण हो गया फिर जगण हो गया और फिर रगण हो गया, ये चार गण भी इसमें होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 12 वर्ण भी वंशज छंद में होते हैं। लेकिन तीनों छंदों में आप देख सकते हो कि 12 12 वर्ण तो होते हैं किंतु गणों का निर्धारण अलग अलग है। तो इस तरह ये वंशज छंद है, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। इसका ये उदाहरण है, नीति सत्ता का श्लोक है, भवंति ही नम्राश्चर्वः फलोद्गमे ही नव अम्बुभिः दुरवलम्बिनो घना अनुद्धतः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवे स्वरूपकारिणाम। इसमें भी आप गणों का निर्धारण कर सकते हैं कि वंशज छंद में पहला होता है जगण, तो जगण में आप देख सकते हो कि पहला हर्ष्व फिर दीर्घ फिर हर्ष्व फिर तगण, तो ये तगण का तो हर्ष्व एक दीर्घ फिर जगण, तो ये देखो आप पहला हर्ष्व फिर दीर्घ फिर हर्ष्व फिर रगण, तो रगण में आप देख सकते हो दोनों तरफ दीर्घ और बीच में हर्ष्व। और वंशज छंद के प्रत्येक चरण में 12 12 वर्ण होते हैं। आप इन चिन्हों का निर्धारण करके अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने तीन छंद पढ़े, वंशज छंद, द्रुत विलंबित छंद, भुजंग पर्याप्त छंद। तीनों ही छंद वर्णिक छंद हैं, तीनों ही छंदों में 12 12 वर्ण होते हैं, किंतु तीनों ही छंदों के गण निर्धारण अलग अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।